एक बार फिर से स्वागत है आपका विलायत न्यूज़ पर। आइए शुरू करते हैं अपना स्पेशल प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अमेरिका व इसराइल की नींदें उड़ाने वाले ईरानी ड्रोन की क्या है खास बात, जानेंगे इस स्पेशल रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने उठाया सराहनीय कदम, मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच पर की कार्यवाही की मांग। यमन से है बड़ी खबर, यमनी लड़ाकों ने सऊदी अरब के 35 भाड़े के घुसपैठियों को मार गिराया। इराकी जन आंदोलन, कताइब हिजबुल्लाह ने लगाया न्यायपालिका पर अमेरिकी दबाव में फैसला लेने का आरोप। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं ईरानी ड्रोन विमान से। जेरूशलम पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ईरान का नया ड्रोन विमान अतीत से ज़्यादा खतरनाक है और आने वाली जंगों में ये नया खतरा साबित होगा। फार्स न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार इसराइली न्यूज़पेपर जेरूशलम पोस्ट ने IRGC की 5 दिवसीय सैन्य अभ्यास के दौरान शाहिद 136 ड्रोन विमान और उसके लॉन्चर के बारे में अपनी स्पेशल रिपोर्ट में कहा है कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुए ईरानी ड्रोन विमान और उसके लॉन्चर के वीडियो चिंता का विषय हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस ड्रोन विमान का नाम शाहिद 136 है और ईरान में पिछले दिनों होने वाले सैन्य अभ्यास के दौरान इसको मिसाइल से मिक्स कर दिया गया था। इजरायली न्यूज़पेपर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ईरान ने इस ड्रोन विमान को आत्मघाती करार दिया है और इसका मतलब ये है कि ये ड्रोन विमान खुद ही अपने टारगेट की ओर उड़ता है और टारगेट पर पहुँच खुद को धमाके से उड़ा लेता है। इजरायली न्यूज़पेपर जेरूशलम पोस्ट ने लिखा है कि इससे पहले ना तो ईरानी मीडिया ने इस ड्रोन विमान को दिखाया था और ना ही इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताया था, लेकिन अब उसके बारे में खुलकर बताना इसराइल को वास्तव में एक खुली चेतावनी देना है। आइए अब बात करते हैं देश की उस बड़ी खबर की जो पिछले कुछ दिनों से चर्चा का विषय रही है, जिसमें एक समुदाय के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी की गई और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने चीफ जस्टिस को एक खत लिखा है। सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की है कि जो मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी की गई है उस पर सख्त एक्शन लिया जाए। द वायर के अनुसार भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 76 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमना को खत लिखकर ये मांग की है कि हाल ही में दिल्ली और हरिद्वार में हुए कार्यक्रमों में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हुई भड़काऊ बयानबाजी और उनके खतले आम को लेकर की गई अपील के मामले में सख्त एक्शन लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इन वकीलों ने जस्टिस रमना से अपील की है कि वो इस मामले में तत्काल कठोर कार्रवाई का निर्देश दें और भारतीय दंड संहिता की धारा 120B, 121A, 124A, 153A, 153B, 295A और 298A के तहत आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। लाइव लॉ के मुताबिक वकीलों ने अपने खत में कहा है कि इन प्रोग्रामों में जिस तरह की स्पीचेस दी गई हैं वो ना सिर्फ हेट स्पीच थी बल्कि उन्होंने एक पूरे समुदाय के कत्लेआम की अपील की है, क्योंकि इस तरह की स्पीचेस न सिर्फ मुल्क की एकता व अखंडता के लिए खतरा हैं बल्कि उन्होंने करोड़ों मुसलमान नागरिकों को डर के साए में ढकेल दिया है। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि इस दिशा में अब तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है, इसलिए कोर्ट को चाहिए कि पुलिस को सख्त कदम उठाने का निर्देश दे। रविवार को लिखे अपने खत में वकीलों ने मुल्क के चीफ जस्टिस से ये उम्मीद जताई है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का चीफ होने के नाते वे देश के संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम उठाएंगे और न्यायपालिका की निष्पक्षता बरकरार रहेगी। इसी तरह हिंदू युवा वाहिनी द्वारा बीते 19 दिसंबर को आयोजित एक कार्यक्रम में हिंदुत्ववादियों ने खुलकर हेट स्पीच दी और सुदर्शन TV के एडिटर इन चीफ सुरेश चौहान के ने कहा है कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लड़ने मरने और मारने के लिए तैयार हैं। चौहान के ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ने मरने मारने की शपथ भी दिलाई। गौरतलब है कि हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर के बीच हिंदुत्ववादी नेताओं एवं कट्टरपंथियों द्वारा एक धर्म संसद का आयोजन किया गया था, जिसमें मुसलमानों एवं अल्पसंख्यकों के खिलाफ खुलकर भड़काऊ बयानबाजी की गई और यहां तक कि भाषणों में उनके नरसंहार करने की अपील भी की गई थी।
अब अगली बड़ी खबर है यमन से, जहां यमनी जवानों ने, जिन्होंने लगातार सऊदी हमलों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, सऊदी अरब के 35 भाड़े के घुसपैठियों को मार गिराया है। सैन्य सूत्रों के अनुसार मृतकों में फील्ड कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अली अल रशद, जनरल नोमान शातिर अल खदाई, साले आईजा जुमान, नाजी नासिर जहमी, बशीर अब्दे राबा, साद अल मुरादी और शामख अली मीखोत अल अजदाई शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार यमनी सेनाएं मारिब प्रांत में सऊदी गठबंधन बलों के खिलाफ अपना अभियान और अग्रिम कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। यमन पीपल्स एंड रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट अंसारुल्लाह ने तीनों दिशाओं से मारिब सूबे को घेर लिया है। सऊदी अरब को मारिब सूबे में हार का सामना करना पड़ रहा है और उस पर बड़े पैमाने पर अटैक किया जा रहा है। अब आखिरी खबर में हम रुख करते हैं इराक का। इराकी न्यूज़ चैनल अल मयादीन के अनुसार इराकी जन आंदोलन कताइब हिजबुल्ला का कहना है कि पिछले संसदीय चुनाव में इराक में जो कुछ हुआ वो इस देश के इतिहास की सबसे बड़ी धोखाधड़ी थी। इराक के कताइब हिजबुल्ला की ओर से बयान जारी करके कहा गया है, इराकी न्यायपालिका देश के चुनावी नतीजों के संबंध में अमेरिका और यूएन के दबाव में है, जिसने भी इराकियों के अधिकारों के साथ धोखाधड़ी की है वो वास्तव में अमेरिकी इजरायली सऊदी गठबंधन का समर्थक है। ये वो गठबंधन है जो अपनी नाजायज ख्वाहिशों को इराकियों पर थोपना चाहता है। इस बयान में ये भी कहा गया है कि इराकी न्यायपालिका अमेरिकी राजदूत और राष्ट्रसंघ के विशेष दूत की धमकियों और दबाव से प्रभावित है। कताइब हिजबुल्ला ने कहा है कि हमने फैसला किया है कि हम अगली किसी भी सरकार में शामिल नहीं होंगे। इराकी जुडिशियरी ने इस देश में चुनाव होने के 78 दिनों के बाद सोमवार को चुनावी नतीजों की तायद की है। न्यायालय ने चुनावों के कैंसिल करने के फैसले को रद्द कर दिया है। गौरतलब है कि पिछले 10 अक्टूबर को इराक में संसदीय चुनाव का आयोजन हुआ था, लेकिन इसके रिजल्ट का बहुत से इराकी राजनीतिक धड़ और दल विरोध कर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपकी राय हमारे प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर बनाने में मददगार साबित होती है। आज हमारा खबरों का सिलसिला यहीं तक था, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।